इस मॉड्यूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोड्स के सब फाइलम हेक्सोपोड्स में इंसेक्ट्स एज पैरासाइट्स ऑफ वेक्टर ऑफ डिजीज़ को डिस्कस करेंगे इंसेक्ट्स के बारे में हमने कहा कि इंसेक्ट्स बेनिफिशियल भी हैं इंसेक्ट्स हार्मफुल भी हैं तो वो इंसेक्ट्स जो वेक्टर हो जाएँ वो हमेशा हमारे लिए हार्मफुल होंगे और उनको हम पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस के अंदर इस तरह से डिस्कस करते हैं कि ये इंसेक्ट बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स में एनिमल्स में डिजीज को कॉज करते हैं अब इंसेक्ट्स पैरासाइट्स भी हो सकते हैं वैक्टर्स भी हो सकते हैं पैरासाइट इंसेक्ट्स जो हैं इसके अंदर हैं इंसेक्ट्स वो जो कि हेड में रहेंगे बॉडी में रहेंगे पब्लिक लाइस इसकी बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है पब्लिक लाइस ऑर्डर एनोप्लूरा से बिलोंग करती है बेड बग इसकी एग्जांपल है जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स के अंदर इनकी काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद होती है ये बेड बग जो हैं ये ऑर्डर है मेप्ट्रा से बिलोंग करेंगे इसके अलावा फ्लीस जिसको उर्दू में हम पिसूस कहते हैं ये ऑर्डर साइफानोप्ट्रा में से बिलोंग करेंगे ये सारे इंसेक्ट जो हैं ये पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस के हैं और ह्यूमन बींग्स में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को ये कॉज करते हैं पैरासाइट्स पैरासाइट्स हमेशा जो हैं अभी हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट्स की तो वो पैरासाइट्स जो इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होंगे वो हमेशा होस्ट बॉडी के अंदर जाके ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करेंगे ब्लड किसका होगा होस्ट का होस्ट के ब्लड में पैरासाइट सर्कुलेट करते हुए बाजुकात वहाँ पे काफ़ी साल रह लेंगे लेकिन जैसे ही ये एक्टिव होंगे ये उन ऑर्गन्स को या उन बॉडी पार्ट्स को जिनके अंदर ये रह रहे हैं उनको डैमेज करना शुरू करते कुछ ऐसे भी इंसेक्ट हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निमाटोड्स को और फ्लेटवर्म्स को वो इंसेक्ट जो डिजीज़ इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं इनमें अहम डिजीज जो हैं वो है मलेरिया येलो फीवर डेंगी बोबोनिक प्लाग एनकेफस लक्ष्मीनसिस और टाइफस ये इन डिजीज़ज़ जो हैं अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इनकी हिस्ट्री जो है दैट हैज़ प्लेड इम्पोटेंट रोल इन द एवोल्यूशन एज़ वेल एज़ डिफरेंट जो कल्चर्स हैं डिफरेंट सिविलाइजेशन जो है उनके साथ साथ इन बीमारियों का भी बहुत तहल्लुक़ है और इसकी बड़ी एग्ज़ाम्पल अगर आप हिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट हैं और आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि मोस्टली नेशंस जो हैं अब उनकी हिस्ट्री के साथ साथ इन बीमारियों ने भी इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया ट्रायाटोमिक बग्स जो हैं ये भी वेक्टर हैं ये वेक्टर किस चीज़ के हैं कैगास डिज़ीज़ के हैं अब एक इंसेक्ट जो के इस डिज़ीज़ को ट्रांसमिट करता है उस इंसेक्ट के लिए अब हम टर्म यूज़ करते हैं वेक्टर और वो जो डिजीज़ है जो इस वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट होती है उस डिजीज़ को हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़ इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कौन से इंसेक्ट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट वैक्टर हैं ये जितने भी बाइटिंग वैक्टर्स हैं मॉस्कीटो बाइटिंग फ्लाई फ्ली माइट टिक ये कॉमन बाइटिंग वैक्टर्स है जो कि इंसेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ ये कॉज करते हैं अब वैक्टर्स क्या होते हैं वैक्टर्स वो इंसेक्ट हैं जो कैरी करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं मुख्तफ़ किस्म की बीमारियों को और कॉजिंग बैक्टीरिया वायरस एंड पैरासाइट्स अब ये ये कैरियर वैक्टर्स हैं अब इसमें देखें कैरियर वैक्टर्स के अंदर हमेशा कोई ना कोई एक होस्ट होगा वो होस्ट ह्यूमन बींग्स भी हो सकती हैं वो होस्ट जो है वो एनिमल्स भी हो सकती हैं अब जहाँ पर हाउस फ्लाई जो है जब भी वो किसी डर्ट से पैरासाइट्स को ले के ह्यूमन बींग के अंदर कोई भी ये ट्रांसमिट करेगी ट्रांसमिट किस तरह से करेगी उस फूड के ऊपर जिसके ऊपर हाउस फ्लाई बैठी होगी ये उन पैरासाइट्स को ह्यूमन की बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर देगी फूड के थ्रू इसी तरह से कॉकरोच जो है इसके एलर्जन या ये फूड के अंदर मुख्तु किस्म की जो अगर फूड के ऊपर इसके फिकल पैलेट्स होंगे वो ह्यूमन बींग्स अगर उसको ले लेंगे अब ये जो हैं फ्लाई कॉकरोच दे आर कैरियर्स ऑफ वैक्टर्स इट्सल्फ इसके अंदर जब वो होंगे वो कोई डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे लेकिन जैसे ही वो ह्यूमन बींग्स के अंदर जाएंगे वहाँ पर जाकर मुख्तफ किस्म की डिजीज़ कॉज करेंगे अब चूँकि ये फूड के थ्रू ट्रांसमिट हो रही हैं तो इन डिजीजेज को हम कहेंगे फूड बॉर्न डिजीज अब हाउस फ्लाई और कॉकरोच नॉर्मली दे ट्रांसमिट मोर देन 250 फिफ्टी फूड बॉर्न डिजीजे और उसका नेट रिज़ल्ट क्या आता है ह्यूमन बॉडिंग में नोजिया वॉमिटिंग डायरिया मेलाइस हेड फीवर और ग्लोबली इसकी डेथ रेट जो है दैट इज़ 19 लैक्स पर ईयर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इसका डेथ रेट जो है वो है 10 लैक्स पर ईयर अब ये डिजीज़ जो हैं जो कि वेक्टर से होंगी इनको हम पब्लिक हेल्थ एपिडीमोलोजी उसके साथ भी लिंक करते हैं और पब्लिक हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर Uh, मुख्त किस्म की डिग्रीज भी दी जाती हैं पब्लिक हेल्थ का एरिया बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें पैरासाइट्स और वैक्टर्स जो हैं दे आर यूजअली डिस्कस्ड एंड स्टडीड इन डिटेल